हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल को लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं स्काई में राम और सीता वाले वीडियो किस प्रकार बना सकते हैं, जो टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको एक वीडियो शूट करना है कुछ इस तरह से। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है 50% पार्ट आपको यहाँ पर आसमान दिखना चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। इसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और दो फोटो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपके वीडियो में 50 से 60% वीडियो आसमान दिखना चाहिए, जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे। यदि वीडियो में कोई एक्स्ट्रा पार्ट है तो कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे तो आपका लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा हुआ वो आपका रिमूव हो जाएगा। यदि राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो आपको यहाँ पे ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। तो मैं सबसे पहले वीडियो के ओरिजिनल साउंड को म्यूट करता हूँ। आपको मैं एक बार वीडियो को प्ले कर दिखा देता हूँ आप तरह से शूट करना है। तो वीडियो आप इस तरह से बिल्कुल आसानी से शूट कर सकते हैं। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है और वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है और इस पोजिशन में आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो फोटो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको दोनों को डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले मैं डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको मैं सीता जी का फोटो को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद इसे आपको कुछ इस तरह से जूम करना है। जूम करने के बाद कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना है और इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है। फिर से आपको इस पोजीशन में आना है, ध्यान रखना है। इसके बाद इस फोटो के लेयर पर क्लिक करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है और यहाँ पर हमें सेकेंड फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इसे भी आपको जूम कर कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर देना है, ठीक है। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गांव का सीन दिखाना है, ठीक है। तो आपको इस पोजीशन में आना है, इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देंगे। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद इस वीडियो में आपका कुछ लास्ट का सीन जो है गाँव का सीन दिखाता है, उस एक्स्ट्रा पार्ट को आपको सबसे पहले ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे, वीडियो को प्रेस करते हैं। इसके बाद आपको देखना है कहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको गांव का सीन स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे और इस वीडियो पे प्रेस करेंगे। लास्ट पॉइंट में आना है और इस वीडियो पे प्रेस कर रखना है और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पर एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक करना है और इसमें आपको एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को कुछ इस तरह से आप क्रो भी कर सकते हैं। इसके बाद डन करते हैं, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे आपको एडजस्ट कर देना है। इसके बाद आपका जो वीडियो है स्काई वाले, इस वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट एस लेयर पर क्लिक कर देंगे, ये वीडियो आपका डबल लेयर में आ जाएंगे। इसके बाद स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन में कर देना है। सेकेंड वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है और यहाँ पे आपको स्काई कलर सेलेक्ट करना है। तो आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से एडजस्ट आप कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया हूँ। इस तरह से आपको एडजस्ट करना है या फिर यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, सिंपल। इसके बाद लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट करना है, कैची के निशान पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी ऑडियो है वो आपका बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट ऑफ कर देना है। शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो का साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।